सलमान खान का शो बिग बॉस यूं तो कंटेस्टेंट्स की आपसी लड़ाई और खींचतान के लिए जाना जाता है, लेकिन इन दिनों सलमान खान के शो बिग बॉस में जातिवाद का नंगा ना चल रहा है। आलम यह है कि वहां रहने वाले जो लोग हैं वो जाति सूचक बातें बोल रहे हैं और जातियों को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। ताजा मामला यह है कि शो में दलित बैकग्राउंड से आने वाली जो कंटेस्टेंट हैं अर्चना गौतम, उनकी जाति को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। शो के कंटेस्टेंट विकास मानकतला और शालीन भनोट ने अर्चना गौतम की जाति को लेकर बेहद आपत्तिजनक बातें कह दी। यहां तक कि उन्होंने ये भी कह दिया कि अर्चना गौतम की जाति वाले लोगों से वो बात करना भी पसंद नहीं करते। विकास मानकतला ने कहा, इसकी औकात और जो इसका लेवल है ना, ऐसे छोटे तुच्छ और नीच जात के लोगों से मैं बात नहीं करता। उसका कारण ये है कि ये लोग गंदी सोच वाले होते हैं। ये बातें शो में विकास मानकतला ने कही, जिसके जवाब में साथ में बैठे शालीन भनोट ने कहा, कल सुबह गंगाजल से इसका शुद्धिकरण करूंगा। तो सुना आपने किस तरह से बिग बॉस में अर्चना गौतम की जाति को नीच तुच्छ बताया गया और गंगा जल से शुद्धिकरण करने वाले ब्राह्मणवादी तरीके की बात की गई। इस तरह की बेहद आपत्तिजनक बातें बिग बॉस के घर में कही गई। विकास मानकतला और शालीन भनोट ने उन अच्छे संस्कारों का मुजाहिरा किया, उनको दिखाया दुनिया के सामने जो उन्हें अपने घर वालों से मिले होंगे। उनके घर वालों ने ही उन्हें सिखाया होगा कि कौन ऊंच है, कौन नीच है, किस व्यक्ति ने भेद करना है और किस व्यक्ति को अच्छा मानना है। सबसे पहले इनके घरों में इनको यही बता दिया जाता है कि उसे किसके साथ खेलना है, किसके साथ बात करनी है, किसके साथ खाना खाना है, समाज में कौन सी जातियां ऊंची हैं और कौन सी जातियां नीच मानी जाती हैं। तभी तो शालीन भनोट और विकास मानकतला ने अर्चना गौतम की जाति को लेकर इतनी बेहद आपत्तिजनक बातें कह डाली। दरअसल किसी बात को लेकर अर्चना गौतम और विकास मानकतला शालीन भनोट के बीच में बहस चल रही थी। उसी बहस के दौरान बात जाति सूचक शब्दों तक आ पहुंची। विकास मानकतला ने कह दिया कि ये तुच्छ लोग हैं, घटिया लोग हैं, छोटी सोच के लोग हैं और ऐसे लोगों से मैं बात करना भी पसंद नहीं करता क्योंकि इनकी सोच गंदी है। इसी बात पर वहां बैठे शालीन भनोट भी हां मिलाते हुए नजर आए। उन्होंने कह दिया कि मैं तो गंगा जल से शुद्धिकरण करूंगा। यानी एक दलित व्यक्ति के बारे में जो बिग बॉस में कंटेस्टेंट है अर्चना गौतम, उनके बारे में इतनी खतरनाक तरीके से जाति सूचक शब्द बोले गए, बेहद आपत्तिजनक है। नेशनल टीवी है, करोड़ों लोग इस बात को देखते हैं, इस शो को देखा है लोगों ने, ये ऑन एयर हो चुका है और उसके बाद इसको लेकर जबरदस्त आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि किसी की जाति पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल भला कोई नेशनल टीवी पर कैसे कर सकता है, कैसे विकास मानकतला और शालीन भनोट जैसे लोग ऐसी बातें बोल सकते हैं। लोग तो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि शो को जो होस्ट करने वाले अभिनेता सलमान खान हैं, वो अभी तक इस बात को लेकर चुप क्यों हैं? सलमान खान ने क्या कार्रवाई की है, इसको लेकर भी सवाल खड़ा हो रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि सलमान खान वही व्यक्ति हैं जो खुद अपने वीडियो में जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं। जाति के नाम को उन्होंने बहुत ही डेरोगेटरी तरीके से कहा था, उसमें शिल्पा शेट्टी भी थी जिन्होंने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया था। अब यहाँ शिल्पा शेट्टी का जिक्र इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि आपको याद होगा शायद ये 2007 के आसपास का मामला है, जब बिग ब्रदर जो एक विदेशी शो था जो बिग बॉस की तर्ज पर था ब्रिटेन में, वहां पर जो शिल्पा शेट्टी है वो प्रतिभागी थी, वो कंटेस्टेंट थी और वहां जेड गुडी ने उनके बारे में एक रेसिस्ट कमेंट किया था, यानी नस्लीय कमेंट किया था, जिसके बाद शिल्पा शेट्टी फूट फूट कर रोई थी और पूरी दुनिया में रेसिज्म के खिलाफ एक आवाज उठी थी, लोगों ने इस नस्ल भेद के खिलाफ आवाज उठाई थी। और आप सब जानते हैं शिल्पा शेट्टी उस समय किस तरह से रो रही थी कि उनकी नस्ल को लेकर, उनके एशियन जो लिनियज है, जो उनका जो जुड़ा हुआ है, उसको लेकर उस पर कमेंट किया गया, जिसके बाद फिर काफी बवाल हुआ और आखिर में शिल्पा शेट्टी जो हैं वो बिग ब्रदर का शो जीत भी गई। लेकिन बिग ब्रदर की तर्ज पर जब भारत में बिग बॉस शो होता है तो वहां दलित बैकग्राउंड से आने वाली अर्चना गौतम के बारे में इतनी बेहद आपत्तिजनक बातें की जाती हैं, बोली जाती हैं, लेकिन बॉलीवुड के तमाम लोग उस पर चुप्पी साध लेते हैं। ना ही सलमान खान ने अभी तक इस पर कोई बात बोली है, ना ही शिल्पा शेट्टी ने इस पर कोई बात बोली है, ना ही बिग बॉस के जो प्रोड्यूसर हैं, चैनल है वायकॉम 18, कलर्स टीवी, वोट की तरफ से कोई भी बयान उस तरह से नहीं आया है कि वो इस बात को लेकर शर्मिंदा हैं या वो इन पर कार्रवाई करने वाले हैं। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है, दोगलापन है, वो भी आपको यहां नजर आ जाएगा कि इन भारतीयों को जो
कथित अच्छे घरों में पले बड़े लोग हैं। इनको विदेश में जाकर जब एशियन नस्ल का होने की वजह से, भारतीय नस्ल का होने की वजह से कोई ताना कोई बात सुननी पड़ती है तो इनको याद आ जाता है कि हम हमारे साथ में नस्लवाद हुआ है। लेकिन भारत में जब अपने ही लोगों के साथ में इस तरह से बेहद आपत्तिजनक बातें बोली जाती हैं, भेदभाव किया जाता है, तब वो जातिवाद इन लोगों को नजर नहीं आता। तो इस दोगलेपन को भी आपको समझना होगा। अब यहाँ कुछ खबरें आई हैं कि बिग बॉस की तरफ से जो शो है उसमें विकास मानकतला की छुट्टी हो सकती है। हालांकि अभी तक ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट्स नहीं हुई है। कुछ मीडिया चैनलों ने खबर छापी है कि विकास मानकतला की छुट्टी हो सकती है, तो कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि ऑलरेडी उनको शो से निकाला जा चुका है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। और इसकी वजह क्या है वो भी मैं आपको बता दूं कि शो में इतना एक जातिवादी रवैया देखने को मिला, इस तरह के कॉमेंट, कास्ट स्लर देखने को मिले, लेकिन उसके बाद जो बवाल हुआ सोशल मीडिया पर जब वो क्लिप्स वायरल हुई, तो जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है उसकी तरफ से शो के प्रोड्यूसर्स को, मुंबई के कमिश्नर को और जो होस्ट हैं, इन तमाम लोगों को नोटिस जारी किया गया। विकास मानकतला को भी नोटिस जारी किया गया और पूछा गया कि जाओ आपने ये बात बोली है, ये क्यों बोली है। और इस पर उन्होंने जवाब मांगा है क्योंकि ये जो SC ST एक्ट है, SC ST एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट है, उसके तहत ये एक दंडनीय अपराध है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की तरफ से जब नोटिस गया तो अब लोग शायद हरकत में आए हैं। सोशल मीडिया पर इस शो की कंटेस्टेंट्स की जमकर आलोचना हो रही है, सलमान खान की भी आलोचना हो रही है कि कैसे वो अपने शो में इस तरह से जाति, धर्म, भाषा, लिंग या नस्ल के आधार पर भेदभाव को बढ़ावा देने वाली बातों को जगह दे रहे हैं, इसको लेकर उनकी भी आलोचना हो रही है। तो कहीं ना कहीं NCST के दबाव में ही सही उनको अब विकास मानकतला पर कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना, ऐसे जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना भारतीय कानून IPC और जो SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है उसके तहत एक दंडनीय अपराध है। और इस कानून के तहत मैं आपको बता दूं कि 6 महीने से 5 साल की भी सजा हो सकती है, आपके खिलाफ SC ST एक्ट की धाराओं में केस दर्ज हो सकता है और उसके बाद जो जज हैं उस पर सुनवाई करेंगे और 6 महीने से 5 साल तक की सजा का प्रावधान इस कानून के तहत है। तो ऐसे में शालीन भनोट और विकास मानकतला के खिलाफ SC ST एक्ट के तहत मामला दर्ज हो सकता है, लेकिन अभी जो खबरें हैं वो सिर्फ विकास मानकतला के बारे में हैं कि उन्होंने ऐसा शब्दों का इस्तेमाल किया तो शो के जो मेकर्स हैं वो उनको हटा सकते हैं, लेकिन शालीन भनोट के बारे में अभी तक कोई खबर नहीं आई है। याद रखिए शालीन भनोट ने कहा कि मैं तो गंगा जल से इसका शुद्धिकरण करूंगा। इस तरह की घटिया ब्राह्मणवादी भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया है, दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाने का काम उन्होंने किया है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अभी तक बिग बॉस की तरफ से, मेकर्स की तरफ से ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है। मैं आपको बता दूं कि अर्चना गौतम वही एक कंटेस्टेंट हैं जो यहाँ पिछले यूपी विधानसभा चुनाव में मेरठ की हस्तिनापुर सीट से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ी थी और विधायकी का चुनाव जब उन्होंने लड़ा था तब भी उनकी जाति को लेकर बवाल हुआ था, काफ़ी उनकी जाति को लेकर हंगामा हुआ, उनके बिकनी शूट वाले फोटोग्राफ्स को लेकर भी बवाल किया गया और उनको नाचने गाने वाली दलित और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल उनके लिए किया गया था। अर्चना गौतम जो हैं दलित बैकग्राउंड से आती हैं, हालांकि अम्बेडकरवादी आंदोलन में या बहुजन मिशनरी चीजों में उनका कोई योगदान नहीं है, लेकिन बावजूद ये उस इसके अगर किसी व्यक्ति की जाति, धर्म, भाषा को लेकर इस तरह की बात की जाती है, इस तरह के कमेंट किए जाते हैं तो उसका खंडन किया जाना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए हम अर्चना गौतम के साथ हुए इस जातिवादी वाक्य की निंदा करते हैं और सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो कानून के रखवाले हैं, NCST है, मुंबई की पुलिस है, उनकी ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इस शो के इन ऐसे लोगों पर जो जातिवादी भाषा का इस्तेमाल करते हैं उन पर SC ST एक्ट के तहत मामला दर्ज करें, उनकी गिरफ्तारी करें और अर्चना गौतम के खिलाफ जो ये बातें हुई हैं वो उनसे उनको एक सांत्वना भी मिलेगी, इससे उनको एक कहें कि ये भी होगा कि कोई अगर इस तरह की भाषा, गैर कानूनी भाषा, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करता है तो उस पर कार्रवाई होगी। तो ये एक नज़ीर भी बनेगा क्योंकि बॉलीवुड के तमाम लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते रहे हैं, बहुत सारे लोगों पर केस दर्ज हुए हैं, लगातार इस तरह की बातें आती रही हैं, लेकिन ये वही लोग हैं जिनकी मानसिकता दूषित है, जिनको घरों से ही ये बात सिखा दी जाती है कि आपकी जाति बड़ी है, बाकी जाति छोटी है। इन लोगों को इंसान और इंसान में भेद करना बहुत नेचुरल लगता है, लगता है कि जैसे वो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, अपनी मान्यताओं, संस्कारों का पालन कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग ये भूल जाते हैं कि भारत
का संविधान भारत में रहने वाले सभी लोगों को समानता और न्याय की गारंटी देता है। किसी की जाति, भाषा, धर्म के आधार पर आप उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। और इसको लेकर तो बाकायदा SC/ST एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट है, तो इसकी 10,000 जो इन लोगों को जरूर मिलनी चाहिए। साथ साथ सलमान खान को भी इस पर माफी मांगनी चाहिए और उन्हें अपने शो में इस तरह की जो फूहड़ टिप्पणी है, कमेंट है, उस पर भी रोक लगानी चाहिए। आपका इस पूरे मसले पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर लिखें। आपसे अपील है इस वीडियो को देखें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित कुमार। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी।